नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जिसे मूंगलेट कहा जाता है। इसके लिए मैंने एक कप मूंग दाल ले ली है और इसे मैंने 3 घंटे भिगो लिया है। भिगोने के बाद ये मूंग दाल जो है कुछ इस तरीके की हो गई है, थोड़ी फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है। तो मैंने इसके साथ ही काट ली हैं थोड़ी सब्जियां, जिसमें है गाजर, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। और साथ में मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और चीज़ को ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम मूंग दाल को लेंगे और इसे डाल लेंगे ग्राइंडर में। इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद देखेंगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो इसमें पानी डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 2 चम्मच नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो आप। 1 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च, आप यहाँ पे हल्दी भी डाल सकते हो थोड़े से कलर चेंज करने के लिए, और मैंने 1 चम्मच डाल दिया है बेकिंग सोडा और उसे भी ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हमारा जो बैटर है बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी तैयार हो गया है और ये इतना ही पतला और होना चाहिए ताकि अच्छे से इसके मूंगलेट बन सकें। तो हमने 1 कप ले लिया है, उसमें डाल लेंगे हम बैटर को। आपको जितने साइज़ का मूंगलेट तैयार करना है उसके हिसाब से आप बैटर डाल लेना। और इसमें अब हम ऐड करेंगे कटी हुई सब्जियां। पहले हम डाल लेते हैं गाजर थोड़ी सी, थोड़े से टमाटर डाल लेंगे, थोड़ा सा प्याज डाल लेंगे और टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल लेंगे, थोड़ा सा पनीर डाल लेंगे कटा हुआ। और जो पैन है उसको हम बटर या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था, सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया था और इसे अब हम डाल लेंगे पैन में और इसे फैला देंगे अच्छे से। क्योंकि जब ये तैयार होगा तो ये थोड़ा फूल भी जाएगा। अच्छे से एक साइड से हमने लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है एक साइड से, तो ये टर्न करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और प्लेट से ही मैंने इसे दूसरी तरफ टर्न कर लिया है। गैस को लो मीडियम ही रखना है क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो इसके जलने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए लो मीडियम पे ही इसे पकाएंगे तो गोल्डन कलर आएगा। दोनों साइड से मेरा जो मूंगलेट है वो पक चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीज़। और इसमें डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और डाल देंगे साथ में इसमें ओरिगैनो। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसा ही लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चीज़ को मेल्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और ये देखिए चीज़ इसका बिल्कुल मेल्ट हो गया है और इसे निकाल लेंगे अब एक प्लेट में। अब इसे हम काट लेंगे, इसके स्लाइसेस कर लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और ये देखिए बहुत ही फ्लफी और अच्छा मूंगलेट बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी गर्म है इसलिए थोड़ा उठाने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसे हम सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से
अब मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ, वैसे ही बैटर डाल के और सारी जो सब्जियाँ हैं उनको डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बटर डालने के बाद पैन में इसे हम डाल लेंगे बैटर को, लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसे। पर मेरी फ्लेम थोड़ी हाई हो गई है इसलिए इसे थोड़ा कलर इसका डार्क हो गया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसे हम और बना सकते हैं। तो मैंने ऊपर की परत को मूंगलेट की हटा दिया है और इसके अंदर अब मैं भर रही हूँ चीज़, और इसमें डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और इसे बंद कर देंगे। थोड़ी देर इस तरीके से ही पकाएंगे, पलट लेंगे इसे, ग्रीस कर लेंगे बटर से या ऑयल से। और ये देखिए हमारा मूंगलेट बन गया है, इसको भी काट लेंगे हम। ये देखिए हमारा इस तरीके से ये बनके तैयार हो गया है और इसका चीज़ जो है अंदर ही मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छे से बन गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।